सो फ्रेंड, दिस इज माय कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो बेसिकली जो भी हमने पिछले वीडियो में समझा था कि होम स्पीकर, हम ऊपर वगैरह समझा था, एम्पलीफायर के बारे में समझा था, एम्पलीफायर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और भी मैंने आपको एम्पलीफायर की सिस्टम कैसे आई थी, उसकी पिंस वगैरह, वायर्स वगैरह। इसके अलावा मैंने आपको ये भी समझा था कि वायर कैसा लेना चाहिए एम्पलीफायर जब बनता है, और जो सिस्टम के डिजिटल बूफर कितने होते हैं, बूफर साइड के स्पीकर वगैरह, बूफर के अंदर कौन कौन सी पिंस वगैरह जो होती है, वो भी आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। और जब बूफर लेते उसकी टेस्टिंग हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। तो आज हम पढ़ेंगे सराउंड सपोर्ट, जिसको ट्रेड पोर्ट बोलते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के टाइम के अंदर बन चुका है, क्योंकि एच बी क्वालिटी चाहिए तो सराउंड साउंड, जो इसको रेयर साउंड, रेयर आउट स्पीकर कहते हैं यहाँ पर, ये भी स्पीकर का ही एक पार्ट है। ओके, और ये काफ़ी बटन अलग तरह का सराउंड सिस्टम होता है। तो ये कैसे काम करता है, किस तरीके इसकी कौन सी पिन होती है, आइए हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटा कर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से आपके। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है, जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडोज 8.1 विंडोज 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना के रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्ले लिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्ले लिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्ले लिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है, पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सराउंड साउंड पोर्ट जो होती है इसको रेयर पोर्ट बोलते हैं। इसे जो पोर्ट जो होती है आपके सामने ब्लैक कलर का पोर्ट होगा, ये देख सकते हो कि सराउंड जो है वो ब्लैक पोर्ट होता है आपके सामने। तो इसे जो स्पीकर होते हैं जो साइड से लेफ्ट साइड राइट साइड का होता है यहाँ पर, इसके अंदर ये जो है ये पिन काम आती है। ओके, इसके अंदर भी 3 चैनल की पिन होती है, और ये खास तरह के ब्लैक कलर के पोर्ट में आता है। ब्लैक कलर का पोर्ट है मतलब सर
साउंड पोर्ट से जो ट्यूनिंग होती है खास तरह की हमारे एचडी क्वालिटी की, जो आज के टाइम के डिजिटल सिस्टम के थ्रू ऑडियो को जो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग सिस्टम करते हैं, तो जो स्पीकर में हम पिन लगाते हैं वो तो रहे नहीं है स्पीकर के अंदर, लेकिन ऐसे ही जो स्पीकर वूफर के अलावा तीसरी पिन लगानी होती है सराउंड साउंड पोर्ट के अंदर। अब ये पोर्ट जो होता है खास तरह की लेफ्ट साइड राइट साइड जो होता है बैक फ्रंट मतलब की होती है, वो खास तरह की एच डी क्वालिटी के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऐसे जो पोर्ट कब मिलेंगे, खास करके 9th जनरेशन 8th जनरेशन की मदरबोर्ड के अंदर मिलेगा। ओके, नॉर्मली ऐसे मदरबोर्ड में ये चीज़ नहीं मिलेगा और ये पोर्ट यहीं पर होता है, ब्लैक कलर का पोर्ट होता है। तो ये पोर्ट क्या करता है, बेसिकली जो हमारे सराउंड साउंड पोर्ट होता है वो टेक्निक फॉर रीडिंग इन फील्ड फायर रेटिंग एंड डेप्थ ऑफ साउंड रीड प्रोडक्शन बाय यूजिंग दी पल ऑडियो चैनल्स फ्रॉम स्पीकर नेट सराउंडेड लिस्नर सराउंड चैनल्स। तो ऐसे सराउंड चैनल जो होती है टेकर की टेक्नोलॉजी एक डेप्थ होती है, मतलब जो डीपली ऐसे साउंड जो होती है वो जो रिप्रोड्यूशन करती है, ये मल्टीपल ऑडियो चैनल्स के अंदर काम करते हैं स्पीकर, मल्टीपल ऑडियो स्पीकर होते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड वगैरह जो होती है। तो अगर कुछ ऐसे साउंड जो है जो लेफ्ट साइड बजनी चाहिए राइट साइड बजनी चाहिए, कुछ ऐसी ट्यूनिंग होती है जो हम कोई लाइट्स लेफ्ट साइड राइट साइड दे सकते हो कि आपके सामने एक होम थिएटर का सिस्टम है। अब ये होम थिएटर सिस्टम के अंदर लेफ्ट वाला चैनल राइट साइड वाला चैनल जो होता है वो कौन करता है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में काफ़ी फील्ड एक तरह का क्रिएट करता है और रिप्रोडक्शन करता है यहाँ पर। तो ये मल्टीपल ऑडियो चैनल की तरह काम करता है, ऐसे नहीं कि सिंगल भी हम स्पीकर लगाते, ऐसा नहीं। तो ये काफ़ी हमें बेनिफिट देता है एक तरह की हम यू कह के हम एक होम थिएटर की तरह ऐसा वन टाइप ऑफ कंप्यूटर जैसे देखिए यहाँ पर ये भी चीज़। तो ये जो पार्ट होता है साउंड साइड स्पीकर, ये जो है साइड की अंदर रखा जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड रखा जाता है यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जितने भी हमारे सराउंड सिस्टम जो होता है यहाँ पर एक से जगह पर दूसरी जगह पर लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड आवाज़ निकालेगा, राइट साइड का ट्यूनिंग होता है राइट साइड आवाज़ निकालेगा, यही काम होता है साउंड साइड का स्पीकर का। तो रेट सिस्टम जो लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड के अंदर कुछ आवाज़ आएगी, राइट साइड होगा तो राइट साइड। इसे डिजिटल सराउंड सिस्टम जो होती है वो स्टीरियो मोड के अंदर होता है, जैसे स्पीकर को रखा कहा जाता है, देख सकते हैं कि इस तरह के सराउंड स्पीकर है, लेफ्ट साइड है राइट साइड भी है और कुछ फ्रंट साइड भी है। तो ऐसे जो स्पीकर होती है ये साउंड फील ऑप्टिमाइजेशन की तरह काम करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कोई एच डी क्वालिटी है, राइट साइड से कोई आवाज़ निकल कर आ रही है, लेफ्ट साइड से कोई आवाज़ निकल कर आ रही है। तो माइक का जो होता है वो कैलिब्रेट मतलब कैलिब्रेट उसके जरिए या फिर ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जो बेस्ट साउंड क्वालिटी एंटर करती है। अगर लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से आवाज़ निकल कर आती है, राइट साइड से राइट साइड से कोई साउंड फील आती है। तो इसमें क्या होता है कि इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज अ मूवी थिएटर, तो ये पहली जो बार बनाई थी वो मूवी थिएटर में सिस्टम यूज होती थी। मूवी थिएटर में अगर देखोगे तो मल्टीपल साउंड सिस्टम होती है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू स्पीकर की जो आवाज़ होती है वो होती है, और इसकी प्रीवियस साउंड सराउंड साउंड जो होती है वो थिएटर सिस्टम के अंदर आई। ओके, कॉमनली आज के अंदर थिएटर होम थिएटर बोलते हैं इसको, एट थ्री स्क्रीन चैनल ऑफ साउंड सिस्टम प्ले फ्रॉम थ्री लाउड स्पीकर। ओके, तो तीन तरह की लाउड स्पीकर होती है, पहला होता है लेफ्ट साइड बीच में सेंटर, दूसरा राइट साइड होता है लोकेट ऑन फ्रंट ऑफ द ऑडियो सिस्टम। तो ये जो साउंड जो सिस्टम होते हैं लेफ्ट साइड बिंडल मतलब सेंटर साइड और राइट साइड में, तो एक तरह की आपकी जो एनवायरनमेंट होती है साउंड की क्वालिटी की एनवायरनमेंट जो होती है वो काफ़ी अलग बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये रेड आउटपुट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो काफ़ी डिजिटल सिस्टम्स आ चुकी है, डिजिटल साउंड क्वालिटी आ चुकी है और इस साउंड के अंदर कैलिब्रेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, प्रोवाइड करती है बेस्ट साउंड क्वालिटी की और साउंड फील का एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसी पर। तो एच डी हाई लेवल की क्वालिटी होती है, एच डी हाई लेवल की ग्राफिक्स की क्वालिटी होती है। उसी तरह से यहाँ पर हम पिछली बात की गेमिंग सिस्टम के अंदर, तो जब सराउंड साउंड एड्स होती है, जब उसके ज़्यादा से मोड जैसे चैनल ऐड करते हैं लाउड स्पीकर के लिए, ओके, तो साइड हो या बिहाइंड हो कुछ हम आगे भी रखते हैं, लेफ्ट साइड भी रखते हैं, पीछे भी रखते हैं, तो ये एबल क्रिएट करता है एक सेंसेशन साउंड ऑफ कमिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ग्राउंड लेवल के अंदर। ओके, और ये अराउंड लिसनर के अंदर होते हैं यहाँ पर। ओके, जो लेफ्ट साइड राइट साइड बैक साइड ये से जो स्पीकर तो सराउंड सिस्टम चेक होती है वो
इससे क्या होता है कि फील्ड एक्सपीरियंस जो होती है उसकी जो साउंड क्वालिटी फीलिंग होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, आपको काफ़ी हाई लेवल की क्वालिटी जो होती है वो HD में आपको मिल जाती है। तो ऐसे में ये 3 पिनों के अंदर स्पीकर के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, इसमें जाओगे तो आपको स्पीकर यही आपको पोस्ट आई होगा, ये 6 पिनों वाला आपका साउंड का सिस्टम होता है वो। तो एक हो आपका स्पीकर, दूसरा हो गया आपका वूफर, तीसरा हो गया आपका ये रेयर पावर सिस्टम। ओके, ये रेयर पावर ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ज़्यादातर यही सिस्टम जो होते आज टाइम के अंदर देख सकते हो कि इस सिस्टम के थ्रू ऐसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो लेफ्ट साइड राइट साइड आप देख सकते हो कि ये रेयर पावर सिस्टम है, ये सेंटर का स्पीकर है, वूफर है। ओके, और लेफ्ट साइड देख सकती हो, राइट साइड देख सकती हो। ओके, इस तरह की स्पीकर को एंटर किया रखा जाता है। HD क्वालिटी का आपको साउंड का एक्सपीरियंस करना है तो ऐसा ही इसको रखा जाता है। पीछे देख सकती हो कि पीछे बैकग्राउंड साइड में भी ये रखी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो 3 सर्कल बने हुए यहीं से इसको रेयर साउंड स्पीकर रखा जाता है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी जो एडिटिंग करने वाले जो लोग होते हैं वहाँ से जो ऑडियो क्वालिटी अच्छी बना कर दी है तो वो मिस ना हो जाए, इसलिए हम ये साउंड क्वालिटी बेस्ट हम रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो साउंड का जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे देखिए यहाँ पर भी कुछ साइड पर स्पीकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो सेंटर में जो होता है वूफर और एक स्पीकर होता है, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड स्पीकर होता है, बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पीकर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अलग तरह का आपका ऑडियो का सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो होता है हमारा मदरबोर्ड के अंदर ही हमारा ये फील्ड होता है। अगर आपको चाहिए कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप अलग से एक्स्ट्रा PCI साउंड का ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो होती है इससे स्पीकर लगाया जाता है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको बताया भी गया यहाँ पर कि तो ये स्टीरियो मोड है। स्टीरियो मोड का मतलब यही होता है कि हर क्वालिटी की स्पीकर जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम आने पर वो बजती है यहाँ पर, लेफ्ट साइड राइट साइड होता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कौन सी डिग्री में अगर देख सकते कि हमारा ये कोई TV है कहीं बीच में, तो पहला जो होता है यहाँ पर हमारा भेजने वाला सेंटर की जो कोई पर्सन है वो, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारा देख सकते हैं जो है साउंड चैनल के अलग 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 हमारे स्पीकर है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने डिग्री कितने एंगल में आप देख सकते हो। और सेंटर में भी स्पीकर है, मतलब ऊपर भी आप बोल सकते हो, और यहाँ पर आप और भी बहुत कुछ आपको अलग अलग फील्ड वाले छोटे छोटे आपको स्पीकर मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी साउंड की क्वालिटी जो होती है काफ़ी हाई क्वालिटी बढ़ जाती है। और ये आपके सामने अलग अलग पिन से 2 चैनल 3 चैनल कुछ RCA पिन भी होती है। ओके, तो इस तरह की जो जैसे देखिए स्पीकर ये हो गया आपका वूफर, ये हो गया आपका, मतलब कि जैसे बहुत कुछ आपको ये चीज़ें मिलती हैं आपको। तो ऐसे में इस तरह की सिस्टम जो ज़्यादातर हम लेना चाहते हैं, मतलब हमारे हाई लेवल की इन्वायरमेंट के हाई लेवल के जो अलग, तो ये मिक्सर में अलग अलग तरह के चैनल्स के अंदर ये अवेलेबल होती है यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर जो फील्डिंग होती है फील होती है वो भी आपकी उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चैनल्स होती है। ओके, तो ये कंट्रोल के साथ उनके हाथ में होता है और कितना बढ़ाना कितना कम करना डाउन करना ये सब कुछ पहले से ही आपको एंटर करते रखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, तो हम समझेंगे सराउंड बैक लेफ्ट राइट पोर्ट साइड, मतलब जो पीछे की ओर स्पीकर होती है उसको किस तरह से करना होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के लिए भी मिलेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट डे जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर के नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।